नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप ने 2018 में लगातार नए अपडेट पेश किए हैं, जिसमें यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। अगर बात करें व्हाट्सएप की 2018 के सबसे पॉपुलर फीचर की, तो यूजर्स ने इसके स्टिकर फीचर को खूब पसंद किया। मगर इस साल आने वाला एक नया अपडेट यूजर्स को नाखुश करने के साथ साथ परेशान भी कर सकता है। दरअसल व्हाट्सएप पर हमारे स्टेटस जल्द कंपनी की कमाई का जरिया बनने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूजर्स के स्टेटस में विज्ञापन दिखाएगा, जिसकी शुरुआत इस साल होगी। गौरतलब है दुनिया भर में करीब 1.5 अरब यूजर्स वाली इस ऐप पर फिलहाल कोई विज्ञापन नहीं होता। ये ऐप iOS, एंड्रॉइड कंप्यूटर और विंडोज फोन सभी पर चलता है। जानकारी के मुताबिक विज्ञापन वीडियो के रूप में होगा और ये ठीक वैसा ही काम करेगा जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज में होता है। फेसबुक ने 2018 के जून में इंस्टाग्राम स्टोरीज में विज्ञापन की शुरुआत की थी। व्हाट्सएप के स्टेटस फीचर में यूजर्स को मैसेज, फोटो, छोटे वीडियो शेयर करने की सुविधा मिलती है, जो 24 घंटे में खुद ब खुद हट जाती है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के नेटिव एडवर्टाइजमेंट सिस्टम से पावर्ड होगा। बता दें इसके अलावा व्हाट्सएप अपने ऐप कई और फीचर्स लाने वाले हैं, जिसमें डार्क मोड, प्राइवेट रिप्लाई, वेकेशन मोड, लिंक्ड सोशल मीडिया अकाउंट, इनलाइन इमेज और साइलेंट मोड जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।